नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। केरल के वायनाड में वोटिंग के बाद यूपी के अमेठी में राहुल गांधी के उतरने की आहट से चुनावी संग्राम और तेज हो गया है। अमेठी की बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के राम मंदिर विरोधी रुख को धार देनी शुरू कर दी है। देखिए भैया, जो जय श्री राम का जय घोष कर रहे हैं, अभी तक हम लोग अमेठी में मुद्दे ढूंढ रहे थे, अब हम कांग्रेस का प्रत्याशी ढूंढ रहे हैं। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर हमला तेज कर दिया है। पूरी संभावना जताई जा रही है कि शनिवार शाम होने वाली कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक में अमेठी से राहुल गांधी का नाम फाइनल हो जाएगा। ये भी खबर है कि राहुल और प्रियंका सबसे पहले अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करेंगे और उसके बाद इनकी उम्मीदवारी का ऐलान किया जाएगा। स्मृति ईरानी लोगों को याद दिला रही हैं कि राम मंदिर का विरोध करने वाले और उसके प्राण प्रतिष्ठा समारोह का न्योता ठुकराने वाले अब चुनावी फायदे के लिए राम मंदिर जा रहे हैं। निमंत्रण राम जी का ठुकरा दिए, अब मंदिर जाएंगे क्योंकि उनको लगता है मंदिर जाने से वोट पाएंगे। मतलब कि भगवान को भी धोखा देने जाए। इसीलिए आज कहती हूँ कि जो इंसान को रिझाने के लिए भगवान से छल कर दे, वो हम सबका क्या खाक हो पाएगा। मैं तो कहती हूँ जो सच्चे मन से राम का नहीं हमारे। अमेठी और रायबरेली में 20 मई को वोटिंग है। दोनों सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 मई तक नामांकन दाखिल किया जाना है, यानी राहुल गांधी को अमेठी के रण में उतरना है तो समय बेहद कम है। अमेठी की सीट कांग्रेस का गढ़ रही है। 1967 में ये सीट बनी थी। 1967 से अब तक 13 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी इस सीट पर चुनाव जीती है। गांधी परिवार के गढ़ अमेठी पर पूरे देश की निगाहें हैं। अमेठी में स्मृति ईरानी ने 2014 में भी चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल को 55,120 वोटों से हरा दिया था। स्मृति ईरानी ने अमेठी में पूरी ताकत झोंक दी है। वो लोगों से मिल रही हैं, गांव-गांव जा रही हैं। 2 दिन पहले स्थानीय उत्सव में महिलाओं के बीच पहुंची और उनके साथ पूजा अर्चना की। स्मृति ईरानी लोगों को लगातार ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रही हैं कि वो उनके बीच की ही हैं। स्मृति ने अमेठी में घर भी बना लिया है और वहीं की मतदाता भी बन गई हैं। अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार के ऐलान के साथ ही यूपी के चुनाव का नया अध्याय शुरू होने वाला है। इससे जुड़ा हर अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।